हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो यूकेपीएससी ने यहाँ पे कनिष्ठ सहायक का आपका एग्जाम करा दिया है, जो कि आपका यहाँ पे 5 मार्च को यहाँ पे हो चुका है, जिसमें आपके क्वेश्चन का लेवल आप लोगों ने देख लिया है। काफ़ी अच्छे लेवल में क्वेश्चन बने हुए थे और मार्क्स यहाँ पे काफ़ी कम आ रहे हैं। जितने भी अभ्यर्थियों से यहाँ पे बात हुई है, पोलिंग हुई है, तो यहाँ पे देखिए आपका काफ़ी टफ लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही जिनके यहाँ पे देखिए पटवारी लेखपाल में अच्छे मार्क्स थे, यहाँ पे 75+ कर रहे थे, वो यहाँ पे अभी देखिए आपका 50-55 में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी कम मार्क्स यहाँ पे अभ्यर्थियों के आ रहे हैं, तो कट ऑफ भी जाहिर है कि काफ़ी कम यहाँ पे रहने वाली है। बात करें अगर टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी आप लोगों को पता है कि यहाँ पे देखिए आपका 445 वैकेंसी यहाँ पे थी, 445 वैकेंसी यहाँ पे टोटल थी। कितने अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंचे हुए थे एग्जाम देने के लिए, तो 1,14,52 अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ यहाँ पे आपकी जा सकती है, सभी कैटेगरी की बात करेंगे और यहाँ पे काफ़ी कारण है कट ऑफ कम जाने के। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनरल की। तो जनरल की देखिए यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो रह सकती है वो यहाँ पे आपका 60 के आसपास यहाँ पे रहने वाली है। ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती है, क्योंकि अच्छे मार्क्स किसी के भी यहाँ पे नहीं आ रहे। अभी तक मेरी किसी भी ऐसे अभ्यर्थी से बात नहीं हुई है जिसके यहाँ पे 70 के आसपास मार्क्स हो। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी कट ऑफ यहाँ पे कम आपकी रह सकती है, तो 60 के आसपास आपकी यहाँ पे जनरल की कट ऑफ रह सकती है, जो कि आपकी किसके लिए रहने वाली है, जो कि आप टाइपिंग के लिए यहाँ पे मान के चल सकते हैं। तो +-2 यहाँ पे आप लेके चल सकते हैं कि आपका देखिए 58 से 62 के बीच में यहाँ पे जनरल की कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। यही फीमेल के लिए भी सेम है, या फिर इससे हल्का सा कमी होगी, इससे ज़्यादा आपकी नहीं हो सकती है। अगली बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस क्या देखिए आपका 58 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। वही बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी की भी आपके यहाँ पे देखिए 57 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। आगे बात करें यहाँ पे देखिए आपका SC ST की, यहाँ पे देखिए दोनों को साथ में लिया हुआ है, तो लगभग इतनी ही कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। SC ST की बात करें तो लगभग लगभग यहाँ पे आपका देखिए 55 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। सभी कैटेगरी में आपको +-2 लेते हुए चलना है, तो यहाँ पे वही आपका 53 से यहाँ पे आपका 57 हो जाएगा। तो ये आपका जो कट ऑफ बताई जा रही है, ये आपकी है यहाँ पे टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के बाद फिर यहाँ पे कट ऑफ बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट यहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा। टाइपिंग में थोड़ा ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे बुलाएंगे, जहाँ तक है यहाँ पे 1.5 गुना या फिर 2 गुना कैंडिडेट को बुलाने की पूरी उम्मीद की जा सकती है, जो कि आपकी 445 वैकेंसी पे फाइनल यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो फाइनल रिजल्ट के लिए थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे 1 या 2 नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है। इतने अच्छे मार्क्स किसी के भी यहाँ पे सुनने में अभी तक नहीं दिख रहे हैं। अभी देखिए आपका फाइनल आंसर की जो आ जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर आपके आंसर की आ जाएगी, उससे आपको कन्फर्म पता चल जाएगा। अभी भी आपको अपने मार्क्स यहाँ पे पता चल ही गए होंगे कि कितने आपने सही किए हैं, कितने आपने गलत किए हुए हैं। अब इसके बाद बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, जो कि आपका अप्रैल में है। 9 अप्रैल को आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो जाएगा, तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जा रहा है। लेवल काफ़ी अच्छा था, जबकि 12th बेस पे आपका परीक्षा हुई है कनिष्ठ सहायक की, और अच्छे खासे लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए थे। तो यही चीज़ें होने वाली है, तो आपको पढ़ते रहना है। अभी देखिए आपका फॉरेस्ट गार्ड का है, उसके बाद आपका देखिए स्नातक स्तरीय, जो कि आपका UK SSC कराएगी, वो भी अभी उसका कोई डेट वेट तो आई है नहीं। तो देखिए 15 के आसपास तक एग्जाम डेट आने की उम्मीद की जा सकती है। वन दरोगा है, साथ ही यहाँ पे आपका सचिवालय रक्षक के एग्जाम है, तो वो चीज़ आपकी होती रहेंगी, आपको तैयारी करते रहनी है। अभी देखिए आपका टाइम काफ़ी कम है, टाइम कुछ भी नहीं है। देखिए आपको 9 अप्रैल के यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग लगभग आपका 1 महीना यहाँ पे बचा हुआ है, तो आपको इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है। इसी लेवल के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका लेवल यही रह सकता है, वहाँ पे भी एग्जाम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।